राधिका दीदी। हाँ बोलो। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, थोड़ा आराम। अच्छा, आराम कर रही थी? हाँ। अब काम से फ्री होके तो आराम ही करूंगी ना। हाँ, काम कौन सा तुझे करना? हाँ, बताओ बताओ, कुछ कह रही थी क्या? वैसे मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। मेरे दिमाग में एक बात बहुत देर से चल रही है। क्या? अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुझे बताऊं। मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? देख सुन, अब इस संपत्ति के जो बड़े बूढ़े थे, यानी कि हमारे पापा के पापा, ठीक है, है कि नहीं, अब वो लोग तो चले गए। हाँ, बचे अब उनकी पीढ़ी, फिर अब उनकी पीढ़ी बची है। हाँ, यानी कि तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी है कि नहीं? ठीक है। तो मैं चाहती थी कि अगर इस राजपाट के राजा जो भी हो, या तो मेरे पति हो या फिर मेरा भाई, क्योंकि इतना दिमाग मेरे भाई में या फिर मेरे पति में ही हो सकता है। अच्छा, बाकी तो कोई नहीं संभाल सकता। और इसके अलावा किसी में दिमाग ही नहीं है क्या? मुझे तो कोई होशियार दिखाई नहीं देता इस घर में। एक बात बोलूं दीदी? चल। इस राजगद्दी के मालिक तो मेरे पति बनेंगे। तेरे पति? हाँ, ये मेरा सपना था पहले से कि जब सास ससुर हमारे गुजर जाएंगे तो राजगद्दी के मालिक मेरे पति बनेंगे। अच्छा। हाँ, तो तू इसका मतलब ससुर जी को जल्दी ऊपर पहुँचाना चाह रही है? नहीं, मैं क्यों चुप पहुँचाना चाह रही हूँ, वो तो उन्हें तो जाना ही है, एक ना एक दिन तो जाएंगे। अच्छा, तो तू इंतजार कर रही है कि कब जाएं और कब इस राजपाट की मालकिन मैं और मेरा पति या फिर तेरा भाई। देख सुन, अभी तुझे इतनी समझ नहीं है और तू इस घर में छोटी है। अच्छा, मैं इस घर की बड़ी हूँ। तो बड़ी और हो तो क्या? बड़ी हो तो क्या? हाँ? अरे पहले पूरी बात सुन तो ले। सुनाओ सुनाओ। सुनती है नहीं, बीच में समझ रही हूँ, बोलती जाओ। तू तो बहुत कुछ समझती है। हाँ, तो देख, जो भी घर का बड़ा होता है राजपाट तो उसी को मिलता है। तो जैसे कि मैं। अच्छा, अब मेरे पति बड़े हैं तो मैं भी बड़ी। और हाँ, अभी तो हमारे ससुर जी भी जिंदा हैं। वैसे अब वो तो उनके हाथ में है ना फैसला कि वो किसको देंगे, किसको मालिक बनाएंगे। इतनी तो दीदी जा थोड़ा इंतजार करो, वो तो ससुर जी ही फैसला करेंगे। देख, तुझे एक बात का पता नहीं होगा, शायद होगा भी। देख, जो हमारे दादा ससुर थे ना, उन्होंने दो शादियां करी थी, जिनसे तेरे ससुर थे और एक मेरे ससुर। पता है? यानी कि हमारी दोनों सासू माँ से। ये तो मुझे भी पता है। पता है तुझे? क्यों? नहीं नहीं, बस ऐसे। जब इस घर में मैं रह रही हूँ तो मुझे पता नहीं होगा क्या? ओ हाँ, वैसे पता तो होगा। और वैसे भी, पर वैसे भी क्या? सगे वाला नहीं आया ना अभी वो। तो कोई बात नहीं, खून का रिश्ता नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं। खैर छोड़, ये फैसला तो अपने ससुर जी पे और अपने अपने पतियों पे छोड़ दो। हम आपस में क्यों लड़ रहे? लेकिन तुम तो अपनी बातों में खो जाती हो ना। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं था। अगर बंटवारा होगा ना तो सबसे पहले मैं तो एक ही चीज चुनूंगी, जो ऊपर वाला पूरा वो है ना। हाँ, वो लूंगी। अच्छा, और उसके सामने ना स्विमिंग पूल आ रहा है कि नहीं? वाओ, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा आती लगता है। भगवान ने सारी चालाकी तुमको ही दे दी है। उस स्विमिंग पूल वाले रूम को मैं लूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें तो रहती भी अभी मैं ही हूँ, और जब बंटवारा हो जाएगा कुछ नहीं होता तो भी मेरा ही होगा वो। खैर, वो तो जब बंटवारा होगा तब की तब देखी जाएगी कौन किसके हिस्से में आने वाला। अभी से सपने देखना बंद कर दो दीदी, क्योंकि अभी सपने देखना ठीक नहीं है। मैं क्यों सपने देखने लगी? वो तो मुझे पता है। अच्छा, जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी। मुझे तो लगता है तुम्हारे पति गुजरात में रहते हैं, तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा तो भी रहेगा। क्यों? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता कि बहुएं अपने पति के साथ जाएं। क्यों? और यहाँ मुझे कमी किस बात की है? भले ही मेरे पति यहाँ नहीं रहते, लेकिन आराम से रहती हूँ, ना घर का काम करना पड़ता। मुझे तो लगता है तुम्हें अपने पति से शायद प्यार नहीं है। कौन कहता है कि मुझे मेरे पति से प्यार नहीं है? अरे सारी औरतें अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, एक तुम हो के मना कर रही हो। अरे कुछ औरतों को तो घर में रहते भी पति से प्यार नहीं होता। चलो, मैं तो दूर रह के तो इतना प्यार करती हूँ उनसे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है किसी में प्यार है या नहीं? अरे खैर चल छोड़, मैं वैसे भी मुंह नहीं लगना चाहती तेरे। अच्छा, मैं भी नहीं लगना चाहती। अरे हम लड़ क्यों रहे? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो। ये बता, खाने में क्या क्या बनाया है?
अच्छा मुझे लगता है शायद तुम्हें भूख लगी है। नहीं वो एक्चुअली क्या था ना कि थोड़ा सा। नहीं तभी पूछा जाता है ना जब भूख लगती है तो। तुमको भूख लगी है ना, मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, चलो खिलाती हूँ। ठीक है हाथ छोड़ दे मेरा, मैं चल रही हूँ। अरे तो आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। अरे रामू क्यों चिल्ला रहा है इतना? मालकिन मैं पूछना चाहता था कि आप खाने में क्या क्या बनवाएंगी? अरे कुछ भी बना लो, जो सबको पसंद हो मैं तो वो खा लेती हूँ। मालकिन आपका स्वभाव देख के और आप कितनी अच्छी हैं मालकिन, मगर देखो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मगर मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या? अगर आपको थोड़ा बुरा लग जाएगा तो मालकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ तो। और अगर नहीं कहोगे तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। अच्छा तो मालकिन जो छोटी मालकिन है ना, वो अपने पति के साथ में बात कर रही थी सारी दौलत का बंटवारा की, मगर मालकिन आप तो जो भी हम रूखा सूखा बनाते हैं आप हमारी बहुत तारीफ करती हैं और हमारा सम्मान देती हैं हमें, तो इसलिए मैंने आपको जरा तुमने सुना क्या बात कर रही थी? मालकिन देखिए मैं बताना तो नहीं चाहता मगर खैर, मगर दौलत के बंटवारे की बात हो रही थी मालकिन, जो ऊपर वाला स्विमिंग पूल वाला रूम है ना उसकी बात चल रही थी, तो वो बोल रही थी कि ये वाला स्विमिंग पूल वाला रूम तो मैं ही लेके रहूँगी। बड़ी दीदी कह रही थी, चाहे बड़ी दीदी कितनी भी जोर जबरदस्ती कितनी भी ताकत लगा लें, मालकिन देखो मेरा नाम ना आ जाए बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देखो मैं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। पता नहीं अब यहाँ पे बंटवारे हो जाएंगे तो कब मैं हवेली को छोड़ कर चला जाऊँ, तो मालकिन देखो छोटे मुँह बड़ी बात, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों की सेवा में हमेशा सेवा करता रहूँ। अगर बंटवारा हो जाएगा तो भी तू यहाँ रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? और हाँ एक बात और, मैं जरा एक मिनट में ही जरा यहीं पर खड़े रहना, ठीक है? ठीक है मालकिन, जो हुक्म आपका। मालकिन को मैंने सारी सच्चाई तो बता दी, मगर लगता है कि अच्छा वैसे एक बात और जी, और क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में? मालकिन अभी तक तो सारी बातें मुझे बताता रहा कर। मालकिन ये बात तो ठीक है, मगर मैं सारी बातें मैं आपको बताता तो रहूँगा, मगर मालकिन थोड़ा सा आप हाँ मालकिन, मगर ये थोड़े कम है, मगर इन 40 रुपये में हो। और क्या क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? मालकिन सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा, मगर और हाँ एक बात और कम है मालकिन थोड़े। और हाँ एक बात और, ये ठीक है मैं उनके रूम में जाके कॉफी देने के बहाने या किसी भी बहाने उनकी बातें सुन के सारी रिपोर्ट मुझे देनी है। बिल्कुल मालकिन आप चिंता ना करें। समझ में आ गई ना? जी मालकिन। और इस घर में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या क्या करता है, सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। मालकिन बस आप ऐसे ही हम पे प्यार बनाए रखें अपना, और आप चिंता ना करें किसी भी प्रकार की। और हाँ एक बात और। जी मालकिन। खाने पे ध्यान कम देना, जरा इस घर के लोगों की बातों पे जरा ज्यादा ध्यान देना। जी मालकिन बिल्कुल। और वो सारी बातें मुझे बतानी है। जैसी आप कहेंगी मालकिन वैसा ही होगा। अब ले जाके खाना बना चल। जी मालकिन। ठीक है। और हाँ एक बात और। जी ये मालकिन। तेरे और मेरे बीच की बातें जी किसी तीसरे को पता ना लगनी चाहिए। मालकिन आप इस बात से टेंशन फ्री रहें, वरना आप इस बात की चिंता ही ना करें, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ मालकिन, मगर थोड़ा सा और चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहे, क्योंकि थोड़े से हमारे पौए लायक थोड़े कम है मालकिन, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा एक और प्यार मिल जाता तो हमारा नमकीन और चटनी का सारा जुगाड़ हो जाता। कि अगर तू इसी तरीके से सारे घर की बातें मुझे बताता रहेगा ना जी मालकिन, तो इसी तरीके से इसे हरी हरी पत्तियां तुझे देती रहूंगी। बस मालकिन आप मेरे को ऐसे ही अपना प्यार देती रहें और मैं आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री हो जाएं, मैं आपको सारी खबर देता रहूंगा और आपका सेवक बनकर हमेशा रहूंगा। तो मालकिन अब मैं चलता हूँ, आपके लिए भोजन बनाता हूँ। जाओ। जितना शक्ल से सात्र लगता है उतना है नहीं है, पर खैर मुझे क्या, मुझे तो यहाँ एक खबरी लाल चाहिए था, छो मुझे मिल गया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अरे रामू। जी मालकिन। कैसे चला रहा था? मतलब खाना में क्या बनाना है ये पूछने के लिए आए थे हम। अरे खाने में तो रोज क्यों पूछता है, जो तेरा मन करे वो बना ले।
नहीं मालकिन, पूछना जरूरी होता है ना कि आप हमारे अन्नदाता हैं, आप ही तो, आप ही की वजह से हम खाना पीना खा पाते। अरे रामू तू बहुत भोला है, देख अगर तुझे मेरे मन के बनाना है तो ऐसा कर, बैंगन बना ले, मुझे बैंगन बहुत पसंद है। मालकिन मगर बड़ी मालकिन ने तो कुछ और बताया था, तो इसलिए मैं चाहता था कि मतलब बड़ी मालकिन कहना क्या जाता है, मतलब बड़ी मालकिन की पसंद की सब्जी बनेगी। नहीं मालकिन, मैं तो आपकी भी सब्जी बैंगन ही बना देता हूं। जो मुझे पसंद है जी, जो मैंने कह दिया वो जी, बनेगा जी मालकिन, मैं बैंगन भी बना दूंगा। हाँ तो आप चिंता मत करें, मगर मालकिन आपका जो स्वभाव है एकदम कितना प्यारा है और कितना अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके। अच्छा तो मालकिन मैं चलता, मगर मालकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। बात बोल, क्या बात है? तो मालकिन देखो छोटा मुँह मेरी तो, आप देखिए आप तो मालिक हैं हमारे अन्नदाता हैं। बोलो मालकिन, ऐसा था कि जब मैं कहना तो नहीं चाहता मगर मालकिन आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, प्रेमीला है, और तो जरा बोल भी दो कि तो क्या बात है। बात ये थी मालकिन के जो बड़ी मालकिन है ना, वो अपने पति से कुछ फोन पे बात कर रही थी। फोन पे बात कर रही थी? मगर मालकिन मैं छोटा हूँ, बड़ी बात हो जाएगी मालकिन, मगर मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर जब बड़ी मालकिन को फोन पे बात करते हुए सुना ना मैंने, तो मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि हमारे यहाँ कितने, जब राजा जी थे, जब हमारे हमारे जब मालिक थे, तो उनके स्वभाव और सब प्रेम मिला था, ऐसी आप मुझे लगी। तो देखो जो बात वहाँ चल रही थी, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता मगर अब रामू बोल भी दे क्या बात है। पापी पेट का सवाल है, हमारा भी बच्चों, हमारे भी तो रुक भी बच्चे हैं, तो ने उनको भी थोड़ा पैसा बाहर गांव पहुंचाना पड़ता है, और मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ, हमें भी थोड़ा हारे थक जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा मैं जरा ठहर अभी आती। यहाँ पर भी जुगाड़ हो गई, अब आएगा मजा। अरे मालकिन अब बता। हाँ मालकिन, तुझे वो क्यों कह रहे थे कि इन्हें की जरूरत है ना? हाँ। अच्छा पहले बात बता, क्या क्या सुना? मालकिन बात ये है कि जो बड़ी मालकिन है ना, जो बड़ी मालकिन है ना मालकिन हाँ। वो कुछ ऐसा कह रही थी जी। जो बड़ी मालकिन जो कह रही थी, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा तो सही थोड़ी, मगर हवेली में आवाज मालकिन, ये थोड़ा काम चल रहा है, इस चक्कर में थोड़े नौकर लोग आपके लगे हुए हैं फर्नीचर बनाने के। अच्छा, अच्छा। चक्कर में तो मालकिन मैं ये चाह रहा था कि थोड़ी और कुछ मतलब आगे की बात। तो बड़ी मालकिन जब फोन पे बात कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सुनकर हैरानी हुई मालकिन, मगर मैं आपको कैसे बताऊं मालकिन, ये तो बहुत बोलता जा। हाँ तो ऐसा हुआ था, बड़ी मालकिन जो थी ना, वो अपने पति से फोन पे कुछ ऐसा बात कर रही थी, तो ऊपर वाला जो रूम है ना मालकिन, हाँ मालकिन थोड़ा जो ऊपर वाला रूम, हाँ जो ऊपर वाला रूम है ना, हाँ उसके बारे में थोड़ा जिक्र चल रहा था, मगर क्या जिक्र? वो जब बड़े मालिक से जब फोन पे बतला रही थी, तो हमने सोचा कि आपको खैर बताना तो नहीं चाहिए मालकिन, मगर थोड़ा सा जरा आगे बोलेगा। हाँ 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 तो मालकिन दो और मिल जाते तो मैं आपको सारी कहानी बता देता, क्योंकि अभी ये ओवे लाइक तो हो चुका है, समझ गई, मगर नमकीन लाइक नहीं हुआ है। हाँ तो मालकिन मैं ये कहना चाहता था, बड़ी मालकिन जो बात कर रही थी फ़ोन पे, वो स्विमिंग पूल वाले रूम के बारे में कुछ जिक्र। क्या? हाँ तो मालकिन मैं कहना, स्विमिंग पूल वाला रूम जो है उसके बारे में कुछ जिक्र चल रहा था, मगर मैं कहना नहीं चाहता था, मगर आप इतने स्वभाव की अच्छी हैं, प्रेमीली हैं, वो नहीं जानती मगर मैं जानता हूँ। ये बात तूने मुझे तो बता दी है जी मालकिन, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए मालकिन, बस और तो हाँ बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे, तो हमें मेरी बात मेरी तरफ से टेंशन ध्यान से जी मालकिन सुन जी, बड़ी मालकिन कहाँ जाती है, कहाँ आती है और किस किस से बात करती है जी, और क्या क्या बात करती है, मुझे एक एक खबर चाहिए। बिल्कुल मालकिन बिल्कुल, ये दो मेरी तरफ से मालकिन, आज तो आनंद ही आ जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन जी मालकिन उसकी सारी इन्फॉर्मेशन
मुझे चाहिए। जी मैं आपका खबरी लाल बन के रहूंगा, आप चिंता ना करें। एक एक बात की वो भी बिल्कुल बस ऐसे ही प्यार आप ना हमारे। ठीक है तो जा। और हाँ सब्जी मेरी ही पसंद की बननी चाहिए। जी बिल्कुल मालकिन, आप चिंता ना करें, जब चलते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया। हाँ छोटे, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ भैया, और आपका आशीर्वाद है। बड़े भैया, बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। जब से पिताजी मरे हैं ना हमारे, जब तक तो वो जिम्मेदार थे, अब उसके बाद हम दोनों भाई ये चाहते हैं कि हम दोनों में से एक जिम्मेदार बन जाए इस हवेली को चलाने के लिए, खेत खलिहान बाग बगीचे ये सब संभालने के लिए एक आदमी हो जाए। देखो भैया, आप अब बूढ़े हो चुके हो, और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये बागडोर मैं संभालूं। तू कहना क्या चाहता है रतन सिंह? क्या सोच के आया हुआ ये? क्या मैं संभाल नहीं रहा अपनी जिम्मेदारी? क्या मैं मर गया? अरे पिताजी भी 85 साल की उम्र में जाके इस दुनिया से गए, और तू मुझे अभी से भेजना चाहता है? नहीं बड़े भैया, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं अपने भाई के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहता। कैसा बोझ? समझे मेरा, अरे अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाना क्या बोझ होता है? भैया आपकी उम्र हो चुकी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना कि कोई इसमें मेरा स्वार्थ या कोई लालच है। मुझे मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरा स्वार्थ और लालच मुझे सब पता है। भैया आप आज तक गलत समझते चले आ रहे हैं, आप मुझे लालच ही समझते हैं, मुझे स्वार्थी समझते हैं। ऐसा नहीं है भैया, मैं तो सिर्फ आपका ख्याल कर रहा था। मेरे बड़े भाई हैं, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ आएंगे, इतना थक जाएंगे, इसलिए मैंने हमेशा आपका ख्याल किया है। रतन सिंह मेरी बात सुनो। सुनाइए। मैं घर में रहता हूँ, जमीनों को देखता हूँ, सारा हिसाब किताब मैं देखता हूँ, और नाचने गाने वालियों के यहाँ तुम जाते हो, मैं नहीं जानता, वहीं से तुम ये औगार लेकर आते हो। भैया कुछ कमी रह गई क्या हमारे प्यार में? भैया आपसे ये किसने कह दिया कि मैं किसी नाचने गाने वाली के जाता हूँ? मेरे पास सब तो खबर है। भैया ये सब चीजें कहाँ आ गई? मैं आपसे बंटवारे की बात नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं उठाऊं, और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ भैया कि आप कागज पर साइन कर दें और मैं यहाँ से चला जाऊँ, चार धाम की यात्रा पे चला जाऊँ। नहीं, 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 तेरे हवाले सारी प्रॉपर्टी, सारी हवेली, सब जायदाद, सब बाग, सब तेरे हवाले कर जाऊँ। नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्या पिताजी साथ में लेके चले गए? क्या मैं साथ में लेके चला जाऊंगा? गांव वाले नहीं सोचेंगे कि भाइयों के बीच में क्या चल रहा है? भैया कुछ पैसे चाहिए तुझे? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है भैया। फिर क्या बात है? मैं तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। रतन सिंह मुझे मालूम है तेरे पीछे कौन है, जहां तू जाता है ना मेरे पास वहां की सब खबरें रहती हैं। वो कोठे वाली तुझे भड़काती रहती है, तेरे कान भरती रहती है, लेकिन जब तक तेरा ये भाई जिंदा है ये ऐसा होने नहीं देगा। रही खाने पीने खर्चे की बात तो वो तुम्हें मिलते रहेंगे। भैया अगर हम कोठे पे जाते हैं ये हमारी खानदान की शान बान है, मगर वहां से यहाँ का कोई मतलब नहीं है। तो तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे, जो किसी के दिमाग में नहीं आई? ये हवेली ऐसे ही नहीं चल जाती। रतन सिंह, खानदानी शान तुम जैसे लोग समझते हैं, अगर तू बचपन में पिताजी की बात मान लेता, पढ़ लिख जाता, तो शायद आज मैं तेरे हवाले पूरी जमीन जायदाद करके सुकून से बैठ जाता, चार धाम की यात्रा पे चला जाता। लेकिन तेरे पढ़ाई लिखाई तो छोड़, तू ऊट पटांग लोगों के साथ बैठकर घूमता फिरता रहा, और अब चाहता है मैं तुझे ये सब चीजें तेरे हवाले कर दूं? ऐसा नहीं है भैया। नहीं, ये आखिरी फैसला है, और हम तेरे दुश्मन नहीं है। जब तक मैं हूं ये राजघाट में ही चलाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। लगता है बड़े भैया की अकल सटियाने लगी है, ठिकाना लगानी पड़ेगी। तो पिताजी कहाँ से आ रहे हो, उतना भड़क हो क्यों? भड़क क्यों रहा हूँ तेरे ताऊजी, संपत्ति पीना चाहते हैं, संपत्ति नाम नहीं कर रहे, और मैं चाहता हूँ ये संपत्ति हमारे पास आ जाए।
अरे पिताजी और दादाजी चले गए तो ताऊजी करते हो रहे हैं, क्या बात की टेंशन है? अरे मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता ये ताऊजी पूरी जाजा थड़प लेगा और तुम कटोरा लेके भीख मांगते फिरोगे, भीख। और सुनो, तुम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, जानता है तू? ताऊजी का सिर्फ एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा, और वो ताऊजी चाहता है कि सारी संपत्ति, पूरी हवेली अपने पुत्र के नाम कर दे, अपने बेटे के नाम कर दे। और तुम जानते हो मेरे दो पुत्र हो, तुम दो बेटे हो, और मैं चाहता हूँ कि ये संपत्ति हम लेके रहेंगे चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। पिताजी, प्रॉपर्टी तो दादाजी की थी, तो हिस्सा आधा आधा होगा ना? तू बिल्कुल सही कहता है बेटा, मगर सुन, उसका एक पुत्र है और हमारे दो पुत्र हैं, एक तू एक बड़ा वाला, तो वो आदि कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता वो आदि। पिताजी, अगर हिस्सा होता है तो आधा आधा होता है, चाहे पुत्र एक हो या चार, आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये सब? तो अब तू मुझे समझाएगा, अपने पिता को समझाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? जानते हो तुम्हारी शादी में कितना रुपया खर्च किया है मैंने? बेहिसाब रुपया खर्च किया है। और तुम लोगों ने क्या दिया है मुझे जिल्लत के सिवा? हैं, इंसाफ का पाठ सुना रहा है मुझे? पिताजी, आपने कोई एहसान नहीं किया है, हर बाप अपने बेटे की शादी करता है, और आप ये सोचो कि आपने बड़े भाई से पहले मेरी शादी कर दी। मैंने तेरी शादी की, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गलत कर दिया मैंने? तू क्या समझता है ठाकुर साहब की लड़की से शादी मैंने तेरी किस लिए की? वो तुझे पसंद करती थी और सारी संपत्ति तेरे नाम हो जाए, इसलिए की थी मैंने, समझा? पिताजी, आपकी आंखों में लालच भरा हुआ है, आप कुछ नहीं समझोगे। चल चल यहां से, पिता को समझाने चला है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, क्या हुआ पिताजी? कैसे, तुझे पता है क्या बात हुई ताऊजी से? क्या? मैंने कहा था ताऊजी आपकी उम्र हो चुकी है, अब इस हवेली का जिम्मेदार हम बनेंगे। ताऊजी जानता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं क्या बूढ़ा हो चुका हूं? मैं क्या इस हवेली का और खेत खलियान का वजन नहीं उठा सकता हूं, भार नहीं उठा सकता हूं? वह मुझे सब पता है, वो बड़ा भाई लालची है, अपने बेटे को सारी संपत्ति लिखना चाहता है, मगर हम ऐसा बेटे होने नहीं देंगे। पिताजी, आप चिंता मत करिए, अगर ताऊजी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी करी तो पिताजी खून की नदियां बह जाएंगी, खून की, समझते हो पिताजी, खून की। शाबाश बेटा, तुझसे यही उम्मीद करता हूँ। जानता है तुझसे छोटा वाला क्या कह क्या? क्या वो तो इंसाफ का पाठ पढ़ा रहा था। अरे ताऊजी कर तो रहे सही, ताऊजी आधा आधा होगा, यूं होगा। अरे हमारे दो पुत्र हैं, उसका ताऊजी का सिर्फ एक बेटा है जी, वो आधा कैसे ले सकता है? वो नहीं ले सकता आधा। पिताजी, वो तो छोटा है, वो नादान है। एक बार आपको पता है बाग के पीछे जो मैटर पड़ा था, पिताजी कसम ऊपर वाले की, बस मैं जानता हूँ, खुंद खाए बैठा हूँ, खुंदस में हूँ पिताजी, अगर ऐसा ताऊजी ने अब की बार कर दिया तो पिताजी खून की नदियां बह जाएंगी, खून की। बस बड़ा बेटा हूं मैं तुम्हारा, बहुत छोटा है, लेकिन मैं छोटा नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है पिताजी। हाँ बेटा, ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होगा। आप भूल सकते हो ताऊजी की बात, मेरे एक एक बात इस सीने में गड़ी हुई है, याद है आपको उस दिन आपकी पगड़ी उछाली थी बीच बाजार में? पिताजी बस मौके का इंतजार है, आपकी कितनी बेइज्जती हुई है पिताजी, बस सारा बदला एक साथ लूंगा पिताजी, सारा बदला। इस बेइज्जती का बदला लेना है बेटा? लूंगा पिताजी, इसके लिए लूंगा, हमें चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े। पिताजी, आपको याद है पंचायत में उस बार ताऊ जी ने आपको झुटला दिया था बंटवारे के मामले को लेके, और आपको याद है पिछले साल जब चार ट्रैक्टर खरीदे थे अपने घर में, जब हवेली के अंदर चार ट्रैक्टर आए थे, तो आपके साथ क्या अन्याय हुआ था पिताजी? वो ताऊ, अरे होगा ताऊ, मैं नहीं मानता, और आप चाहे मुझसे कुछ कहोगे ना, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानूंगा पिताजी। बस मैं जानता हूँ आपकी बेइज्जती, आपको कितनी बार झुकाया ताऊ जी ने पिताजी।
अब कोई नहीं झुका पाएगा पिताजी। तू फिक्र मत कर बेटा, फिक्र मत कर। और पिताजी अब कोई ऐसी चाल चल दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप भूल सकते हो अपनी बेइज्जती का बदला, लेकिन आपका बड़ा बेटा आपकी बेइज्जती का बदला लेगा। अब आप मुझ पे छोड़ दो सारी चीज़ें, मैं सब संभालूंगा बेटा। ये मेरा बड़ा बेटा सही है, वो छोटा बेटा नालायक है। वो ताऊ जी की तरफ से बात करता है, ताऊ जी की हिमायत लेता है, मगर ये संपत्ति तो हम हासिल करके ही रहेंगे।